देवांग गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि रोहित को नंबर 6 पर आना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत भी 5वें स्थान पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से बाएं दाएं संयोजन को भी बनाए रखा जा सकता है। भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता देवांग गांधी ने रोहित शर्मा को 6ठे स्थान पर बल्लेबाजी की सलाह दी है। उनका मानना है कि केएल राहुल को एलिट टेस्ट में एसएसवी जयसवाल के साथ सलामी बल्लेबाजी के लिए उतरना चाहिए। पर्थ टेस्ट में राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की। दूसरी पारी में उन्होंने जयसवाल के साथ 201 रन की साझेदारी निभाकर भारत के जीत की पटकथा लिखी थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 11 के खिलाफ खेले गए अभ्यास मैच में के राहुल एसएसवी के साथ ओपन के लिए उतरे थे। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी हुई थी। इस मुकाबले में हेटमैन 4थे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए और 3 रन बनाकर लौट गए। अभ्यास मैच में उनका बल्ला खामोश रहा। माना जा रहा है कि 6 दिसंबर से एलिटेड में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया इसी लाइनअप के साथ उतर सकती है। पूर्व चयनकर्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए रोहित को 6 नंबर पर बल्लेबाजी की सलाह दी। उनका मानना है कि ऋषभ पंत 5वें नंबर पर आकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देवांग गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि रोहित को नंबर 6 पर आना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत 5वें स्थान पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से दाएं से बाएं संयोजन को बनाए रखा जा सकता है। गांधी का मानना है कि मध्य क्रम के बल्लेबाज के लिए अचानक पारी की शुरुआत करना मुश्किल होगा। उन्होंने आगे कहा, अगर मध्य क्रम का कोई बल्लेबाज अपने करियर के आखिरी चरण में ओपनर बनने की कोशिश करता है तो यह मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक सलामी बल्लेबाजी के लिए मध्य क्रम में उतरना मुश्किल नहीं होगा, खासकर रोहित के लिए जिन्होंने 6 नंबर पर अपने करियर की शुरुआत। रोहित का नंबर 6 पर प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 16 टेस्ट मैचों में 54.57 की औसत से 1037 रन बनाए हैं। इसमें 3 शतक 6 अर्धशतक शामिल हैं। 2018-19 की ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा ने भारत के लिए 6ठे स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए 4 पारियों में 37, 163 और 5 रन बनाए थे। ये दोनों मुकाबले मेलबर्न और एडिलेड में खेले गए थे। अब हेटमैन पर फॉर्म में वापसी का दबाव होगा। हाल ही में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में रोहित का बल्ला खामोश रहा था। कीवियों के खिलाफ उन्होंने 6 पारियों में सिर्फ 91 रन बनाए, जिसमें एक बार वह 0 पर भी आउट हुए। इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ 4 पारियों में वह सिर्फ 42 रन बना सके। अब एलिटी टेस्ट, फैंस को उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।